गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून सभी को आज के सेशन में। और आज हम लोग इंग्लिश मॉक अड्डा पे नाउन टेस्ट 01 डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और सभी लोग अपना अपना टेस्ट अगर दे लिए हैं तो ये सेशन एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करने का सोचते हैं। और अगर स्टूडेंट आप लोग सच में अभी तक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो ये थोड़ी तो गलत बात है। आपको टेस्ट तो देना ही चाहिए और जो होमवर्क कम से कम अपडेट किया जाता है आपको इंग्लिश मॉक अड्डा पे, उसे देने के बाद ही ये सेशन देखना चाहिए। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्लाइड आपके पास में जो आएगा क्वेश्चन का, उसमें हम लोग लेके चलेंगे आपको। क्वेश्चन में लिखा है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस वाइल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। तो यहाँ पे नाउन का जो सही यूज होना चाहिए था वो लीव्स यहाँ पे नहीं रखा गया है। आप सभी को पता है कि लीव्स का जब यूज करते हैं तो उसका स्पेलिंग होता है आपके पास में प्लुरल सेंस में, जब इसके साथ आर का प्रयोग कर रहे हैं, और लीफ होता है सिंगुलर, यहाँ पे चाहिए था लीव्स। ओके, मैंने आपको सिखाया है यहाँ से, आप लोग पहले से भी जानते हैं कि लीफ प्लुरल टर्म नहीं सिंगुलर होता है, और जब इसका हम लोग प्लूरल बनाने की सोचते हैं तो लीव्स का यूज करते हैं, है ना। इसी तरह से हम लोग नाइफ वर्ड का यूज करते हैं, और जब नाइफ का प्लूरल बनाने की बारी आती है तो हम लोग नाइव्स वर्ड का यूज करते हैं। चलिए, ओके ना। तो चलिए आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक नहीं होना चाहिए था, लेक में एस लगाना चाहिए था आपको, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद का जो नाउन होता है उसमें जनरली एस का यूज होना चाहिए था। आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट की दिया गया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ, मेनी, सेवरल, वेरियस, न्यूमरस, ये सारे टर्म्स जब भी आप यूज करते हैं इन सभी के बाद प्लूरल नाउन का यूज करना जरूरी होता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे लेक में एस लगाने की आवश्यकता है मोस्ट ऑफ के बाद। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है आपके पास, पीपल सम टाइम आस्क मी व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। तो आप ही बताइए कि क्वेश्चन का सब्जेक्ट अगर पीपल होगा तो ऑटोमेटिक प्लूरल टर्म होगा, तो क्वेश्चन में आस्क में इसका आप कैसे लगा सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन में आस्क में आपको क्या करना चाहिए था, एस हटाना चाहिए था। तो चलिए यहाँ से एस हटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में देखिएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चाहिए था आप देख सकते हैं यहाँ से कि पीपल है, ऑडियंस है, द पुअर है, द रिच है, द जेंट्री है, द पिजेंट्री है, और ये सारे टर्म्स जो होते हैं प्लूरल टर्म होते हैं, इसलिए इन सभी को जब भी यूज करिएगा इनके बाद प्लूरल नाउन का यूज होगा, सॉरी प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं उन सभी का वर्ब हम लोग प्लूरल यूज करते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज कम है तो आप लोग यहाँ से माइंड कर सकते हैं कि हमेशा किसका यूज करेंगे, वी वन का यूज करेंगे। आप डू का यूज कर सकते हैं, हैव का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चार में है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए था, नहीं फैक्टर्स होना चाहिए था। आप खुद ही सोच सकते हैं कि टू के बाद नाउन सिंगुलर कैसे आ सकता है ना, सिंपल सी बात है। तो टू का मतलब ही हो रहा है कि आपको प्लूरल नाउन यहाँ पे लिखना चाहिए था। इतना बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो बहुत ज्यादा मेहनत की आपको आवश्यकता है स्टूडेंट, ये तो आपको दिखना ही चाहिए था, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होगा। नेक्स्ट में कह रहा था कि लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर ब्रीडर्स इन इंडिया। तो सबको पता है कि लैंड रेवेन्यू के लिए ही तो बात यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने आपको सिखाया था कि वन ऑफ का जब यूज करते हैं तो जनरली आपके पास नाउन जो होता है उसका प्लूरल होना चाहिए था, तो सोर्स में सोर्सेज होना चाहिए था यहाँ पे, तब जाके ये सेंटेंस आपका सही होगा, है ना। बाकी हम लोगों ने आपको पढ़ाया भी था कि वन ऑफ के बाद जनरली सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और नाउन हमेशा प्लूरल यूज करते हैं। माई फ्रेंड जतिन यूजली वियर्स अ स्पेक्टेकल, गलत बात है। जब भी पेयर नाउन का प्रयोग करते हैं तो आप उसको ए एन लगा करके विदाउट एस तो खैर लिख ही नहीं सकते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ए पद को हटाना पड़ेगा और स्पेक्टेकल में एस लगाना पड़ेगा। बाकी आप बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे पेयर नाउन के तीन कॉन्सेप्ट आपको रखे गए हैं। अब ये तीन कॉन्सेप्ट जो आपके पास में है उसको यहाँ से आप माइंड कर सकते हैं। सबसे पहले जितने भी पेयर नाउन होते हैं वो हमेशा एस लेकर के आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके पेयर नाउन होते हैं उनका वर्ब प्लूरल करना होता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इनका सिंगुलर वर्ब यूज करना है तब आपको इनके आगे पहले ए पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना।
और आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह चाहिए तो आप देख सकते हैं। जैसे आपको अगर लिखना है ए पेयर ऑफ और उसके बाद यहाँ पे शूज लिख रहे हो तो सही है। अब यहाँ पे बेयर नहीं होगा बल्कि बाज होगा। इस तरह से आपको यूज करने का मैं सलाह दे रहा था। लेकिन हाँ, शूज अगर लिखना चाहते हो तो माई शूज वेयर होगा, ना कि बाज होगा। ठीक है, समझने के लिए आपको बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि चूंकि खुद ही सोच सकते हैं, जो चीजें दुनिया में दो के मिलने के बाद ही एक कहलाती हैं, उन सभी को दो मानकर ही चलना पड़ेगा। और जब इनको सिंगल बोलना चाहते हैं तो उनके आगे जोड़ा शब्द लगाना पड़ेगा। और जोड़ा शब्द का इंग्लिश क्या होता है? ए पेयर ऑफ होता है। इसलिए जब इनको सिंगुलर बनाने की बारी आती है तो ए पेयर ऑफ लगाना जरूरी होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी होते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा था उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। मतलब उत्तर प्रदेश जो है लगभग हमारे देश का 16% आबादी रखता है। तो क्वेश्चन में होना चाहिए था हमारे देश के पॉपुलेशन का ना, तो कंट्री का बोलने के लिए कंट्री के ऊपर एपोस्ट्रोफ एसपी तो लगाना पड़ेगा। हम लोगों को यह बात बढ़िया से पता होनी चाहिए कि जब का हिंदी होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक तो होता है कि एपोस्ट्रोफ एस लगाना और दूसरा ऑफ लगाना। हम सभी को पता है कि एपोस्ट्रोफ एस लगाने के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। जनरली हमको पता होता है कि लिविंग सेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं एपोस्ट्रोफ एस का। फिर आपके पास जनरली जो मतलब हेवनली बॉडीज होते हैं आप उनके लिए यूज कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल बॉडी होते हैं आप उनके लिए यूज कर सकते हैं, और फिर आपके पास जितने भी अवध से पहले का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया होगा, जिसमें अमाउंट है, वेट है, डिस्टेंस है, हाइट है, स्पीड है और पीरियड ऑफ टाइम है, आप इन सभी के लिए भी कॉमा इसका यूज कर सकते हैं। और जब ऑफ के यूज की बारी आती है तो जनरली इसमें ऐसे नाउन को रखा जाता है जो नॉन लिविंग सेंस का हो, और इसमें नाउन ऑफ नाउन का रिवाज है, और इसमें सब्जेक्ट को ऑफ के पहले लिखना जरूरी होता है। तो काका हिंदी यहाँ पे हो रहा था, तो आपको सोचना है यहाँ पे कि कंट्रीज पॉपुलेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, इसलिए कंट्री में फर्स्ट ऑफ एस यहाँ पे अप्लाई करोगे, आंसर आपका बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, टेलीकॉम इज वन ऑफ इंडिया ग्लोबली रिकॉग्नाइज सक्सेस स्टोरीज। आप खुद ही से देख सकते हैं कि वन ऑफ का जब प्रयोग करते हैं तो नाउन प्लूरल होता है, और स्टोरीज यहाँ पे प्लूरल बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर आपका नो इरर तो होना ही था। चलिए, स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स। अब बताइए आज के समय के किसानों का, तो किसानों को प्लूरल बोलना था यहाँ पे, तो फार्मर में एपोस्ट्रोफेस की आवश्यकता नहीं थी। फार्मर में सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए क्या जरूरत था? एस का, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? एस। तो क्वेश्चन में प्रेजेंट डे फार्मर्स होना चाहिए था यहाँ पे, ना कि फार्मर में एपोस्ट्रोफे एस होना चाहिए था। हर कम्फर्ट वाज इन हर चिल्ड्रेन, फिर से उसकी जो कम्फर्ट है उनके बच्चों में है, तो मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे होना चाहिए था कि हर कम्फर्ट वाज इन हर चिल्ड्रेन कम्फर्ट। तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में हर कम्फर्ट वाज इन हर चिल्ड्रेन कम्फर्ट में चिल्ड्रेन में एपोस्ट्रोफेस लगना चाहिए था, है ना, था एपोस्ट्रोफेस लगना चाहिए था। उसका जो कम्फर्ट है उसके बच्चों के कम्फर्ट में है। चलिए एक बार मैं देख लेना चाहूंगा कि आप लोगों को आवाज प्रॉपरली जा रही है, एक बार चेक कर लेंगे कोई अगर ऑनलाइन हो तो। चलिए कोई भी ऑनलाइन है अगर तो चेक कर लेते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। हीज सक्सेसफुल, मुझे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि हीज सक्सेस यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होता है ना। हीज सक्सेसफुल नहीं, हीज सक्सेस एज ए लॉयर, उसकी एक लॉयर के तौर पे सफलता जो है ना वो मतलब कि बढ़ती जा रही है। तो क्वेश्चन में होना चाहिए था हीज सक्सेस, ना कि सक्सेसफुल। यहाँ पे फॉर्मेशन का ये क्वेश्चन है, और मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन फॉर्मेशन बेस्ड आता है तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको दो तीन बार पढ़ो, और जब फॉर्मेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको देखना है तो दो तीन बार पढ़ने से स्पोकन से ही आइडिया मिल जाता है। तो दो तीन बार पढ़िए और स्पोकन से आइडिया आपको मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं।
अदर साउथ अफ्रीकन सिटीज ओनली हैड वन वेन्यू फॉर स्टेजिंग एग्जीबिशन और इंटरनेशनल इवेंट्स एट हाईली स्टैंडर्ड, नहीं एट हाई स्टैंडर्ड। यहाँ भी यही बात गड़बड़ हुई है। अब खुद ही सोच सकते हैं कि एट के बाद जब आपके पास कॉम्बिनेशन रखना है स्टैंडर्ड वर्ड का, तो स्टैंडर्ड तो एडजेक्टिव टर्म का नाउन टर्म है, लेकिन आप इसके पहले तो एडजेक्टिव टर्म ही रख सकते हैं ना, एडवर्ब की क्या आवश्यकता है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी स्पोकन से ही बनेगा आपका। तो एक तो क्वेश्चन स्पोकन का आपको दिया जाता है अगर, और आपसे नहीं बनता है तो आपको रेगुलर स्पोकन की भी आवश्यकता है। और उसका तरीका यही है कि कोई भी क्वेश्चन को आप पढ़िए और रीडिंग दीजिए। साउथ अफ्रीकन सिटीज ओनली हैड वन वेन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे लिख रहा था और इंटरनेशनल इवेंट एट हाई स्टैंडर्ड, तो हाई स्टैंडर्ड बोलना अच्छा लग रहा है, इसलिए हेली को एलवाई यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो ये फॉर्मेशन का क्वेश्चन फिर से था आपके पास। द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन लास्ट वन ईयर। मैं तो यही कहूंगा कि क्वेश्चन का सब्जेक्ट आपका फिशरीज नहीं है यार, क्या है, सेक्टर है, और सेक्टर है जो सिंगुलर टर्म है, तो हैव कैसे हो सकता था। तो ये चीजें भी आपको गौर करनी है कि कई बार क्या करता है एग्जामिनर, प्लूरल कॉम्बिनेशन है ना, प्लूरल एडजेक्टिव, और उसके साथ एक नाउन रखता है और आगे वर्ब रखता है। तो आपको बस इतना ही सोचना है। प्लूरल एडजेक्टिव प्लस नाउन के बाद वर्ब जब रखता है तो वर्ब हमेशा क्या करना है, सिंगुलर ही रखना है आपको। प्लूरल एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस वर्ब हमेशा क्या लेता है, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, और नाउन का वर्ब जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है। एक बार हमसे चेक करके बता दीजिएगा साउंड सही है क्या, क्योंकि तो बीच में कुछ कॉल्स वगैरह आ जाते हैं ना, तो कभी कई बार कॉल्स वगैरह के कारण साउंड इशूज हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू बताने के लिए। देखिएगा तो 13th नंबर क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि आपका यहाँ फिशरी सब्जेक्ट नहीं था, सेक्टर सब्जेक्ट था, और सेक्टर के अकॉर्डिंग हैज का प्रयोग होना चाहिए था। 14th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि मेरा जो घर है ना वो कहीं ज्यादा बड़ा है मेरे सिस्टर के घर से, तो मेरे सिस्टर के घर से क्या होगा, माई सिस्टर थोड़े ना होना चाहिए था, माई से मेरे सिस्टर से नहीं बाबा, मेरे सिस्टर के घर से, तो माई सिस्टर्स हाउस हम बोलेंगे तो हाउस का रिपीटेशन हो जाएगा। तो कम से कम क्या कर सकते हैं आप, अपोस्ट्रोफी तो लगा ही सकते हैं ना, तो आप सिस्टर के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो यही बात यहाँ में मैंने क्लियर रखा है कि जब भी क्वेश्चन में पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ एक नाउन लिखते हैं तो आपको नाउन में क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, और अगर आप नाउन भी नहीं लिखना चाहते हैं तो पोजेसिव प्रोनाउन आपको लिखना पड़ता है। मतलब साफ कहना चाह रहा है कि अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं कि मेरा फ्रेंड है जो कि ज्यादा मजबूत है ना, ज्यादा भाई मजबूत है, ठीक है मजबूत है तो रहने दीजिए स्ट्रॉन्गर। अब इसके बाद हम यहाँ पे जब लिखते हैं योर फ्रेंड, तो ये योर फ्रेंड नहीं लिखना चाहिए था, सीधे उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, योर्स लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो योर में कॉमा एस वगैरह नहीं लगने का रिवाज है, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा जो होते हैं जनरली एस लगा के लगाए जाते हैं, जैसे ही का हिज होता है, सी का हर्स होता है, दे का दियर्स होता है, वैसे यू का योर्स होता है। तो क्वेश्चन में इसी तरह से माई सिस्टर को जब भी आपको लिखना है पोजेसिव एडजेक्टिव सेंस में, तो इसमें एपोस्ट्रोफेस तो लगता ही लगता है ना, तो एपोस्ट्रोफेस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और हाउस वर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर आपके पास हो जाएगा ए पार्ट, यही भी मिस्टेक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दिस इज टू ग्रेव सीन, नहीं दिस इज टू ग्रेव ए सीन, क्योंकि क्वेश्चन का हिंदी सेंस है ना कि यह बहुत ही, मतलब यह एक प्रकार का गंभीर अपराध है जिसे क्षमा तो खैर किया ही नहीं जा सकता। दिस इज टू ग्रेव ए सीन, यह एक गंभीर तरह का आरोप है, तो दिस इज टू ग्रेव ए सीन। तो क्वेश्चन में आप लोगों को यह क्वेश्चन भी स्पोकन बेस्ड ही है, और ऐसे क्वेश्चन को आप चून करके रखिए अपने पास में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में आपको परेशान करें, ठीक है। तो स्पोकन से इसको भी बनाइए, टू ग्रेव ए सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द अनसीजनल रेन काउज्ड अ लॉट ऑफ डैमेजेज। जब हम ए लॉट ऑफ का यूज करते हैं तो प्लूरल और सिंगुलर नाउन दोनों कर सकते हैं, तो जनरली क्रॉप का जो डैमेज होता है उसके टाइप होते हैं, तो आप डैमेज में इस लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी अनकंटेबल नाउन होते हैं उन सभी का लगभग प्लूरल आप बना सकते हैं, जैसे डैमेज का आप डैमेजेज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के डैमेज होते हैं।
नेक्स्ट में उसी तरह से आपके पास जिस तरह से रेन होता है तो आप रेन में भी यस लगा सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र की बारिश होती है। आप फिश में भी यस लगा सकते हैं अगर हम अलग अलग तरह की मछलियों की बात कर रहे हैं। ग्रेन में भी आप यस लगा सकते हैं अगर हम अलग अलग प्रकार के अनाजों की बात कर रहे हैं। तो होता है जितने भी प्लूरल नहीं पढ़े हैं सभी का प्लूरल आप बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर डैमेज में यस लगना चाहिए था क्योंकि ये लॉट ऑफ कई जब ज्यादा करिएगा ना तो आपको प्लूरल नाउन के लिए ही करना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अनकंटेबल नाउन के लिए भी होता है, तो होता है अलग बात है, लेकिन यहाँ पे डैमेजेस ही बेहतर होगा। बारिश के कारण अनेक प्रकार के डैमेज होंगे। माई नेबर्स ग्रैंड सन इज ओनली 5 months ओल्ड। 5 के बाद यहाँ पे क्या चाहिए, मंथ्स चाहिए। देखिए इसमें ध्यान देना ये है कि आपके पास जब भी 2, 3, 4, 5 का प्रयोग किया जाता है, 2, 3, 4, 5 का यूज किया जाता है और इसके बाद आगे ओल्ड वर्ड यूज किया जाता है तो यहाँ का जो नाउन होगा वो हमेशा एस के साथ लिख लीजिएगा, है ना। ये हमेशा एस के साथ ही लिखिएगा, बस ये ध्यान दीजिएगा। हाँ अगर आप इसमें ओल्ड वर्ड यूज नहीं करते हैं तब आप हटा सकते हैं। जैसे होता है ना आपके पास में 10 ईयर, सही है, 10 ईयर्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन 10 ईयर ओल्ड नहीं बोल सकते हैं, आपको 10 ईयर्स ओल्ड ही बोलना चाहिए। ये अपना एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है बस। चलिए अगला चलते हैं। द क्रू ऑफ द सेलर्स बेयर कर दिया है, फिर से वही बात होगा। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट हमेशा ऑफ के पहले वाला होता है ना, ये सिखाया गया था आपको सिंटैक्स में भी। तो क्रू सिंगुलर वर्ड है और उसके हिसाब से यहाँ पे बेयर के जगह पे बाज का प्रयोग होगा। भाई आपको यहाँ पे लिखा भी गया है कि 90% क्वेश्चन जो होते हैं उसमें कलेक्टिव नाउन पहले रहता है और कॉमन नाउन बाद में होता है, तो जनरली कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर ही दिया जाता है, इसलिए आप सिंगुलर वर्ब इसके साथ होता है आप याद भी कर सकते हैं कि अगर कलेक्टिव नाउन है आगे कॉमन नाउन आपके पास है और उसके बाद वर्ब रखना है तो आप सिंगुलर रख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको शॉर्टकट में जल्दी आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करता है ना। ऐसे तो मैं कहूंगा कि भाई यही याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन में ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर का जो नाउन होता है सेकेंडरी होता है और वर्ब जो होता है हमेशा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही होता है ना, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही होता है। देर हैव बिन, अब ऐसे ही हैव बिन कैसे कर लो कि आगे देख लो, कर रहा देर हैव बिन 3 ब्रेक, ओ सॉरी सॉरी, ये तो ब्रेक इन का लिखा हुआ कॉम्बिनेशन ही गलत है, तो गलत है, इसको सही करने के लिए आपको लिखना पड़ता है ब्रेक इन्स। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि कुछ नाउन का फॉर्मेशन जो होता है वो प्रीपोजिशन से होता है, वर्ड प्लस क्या चीज है, प्रीपोजिशन से। अब ऐसे नाउन का हमको लिस्ट याद रखना बहुत ही जरूरी और मजबूरी दोनों है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो ब्रेक इन का प्लूरल ब्रेक इन्स होता है, आउटस्कर्ट का प्लूरल आउटस्कर्ट्स होता है, इनमेट का प्लूरल इनमेट्स होता है, पैसर वाई का प्लूरल पैसर्स वाई होता है और ऑन लुकर का प्लूरल ऑन लुकर्स होता है। तो ये सारे टर्म्स जो प्रीपोजिशनल हैं कम से कम आपको याद रखने हैं, तो ये आप रिविजन के लिए क्वेश्चन को रख सकते हैं। प्रीपोजिशन से बने हुए शब्दों को याद करिए, कोई उपाय नहीं है, रोज रोज लिखिए, सबसे अच्छा मैथमेटिक्स फॉर्मूला की तरह। अरब की जो मदर है वो चार चार लैंग्वेज बड़े आसानी से बोल लेती हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है, अरब की मम्मी अरब से मदर सही तो है, बस यहीं पे जो भी गलती था ना उनका यहीं तक था, आगे तो कोई गलती नहीं है, मम्मी सिंगुलर है तो स्पीक भी सही था, तो नो एरर तो होना ही था इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये सेशन एक छोटा सा सेशन था 20 क्वेश्चन का, जिसमें हम लोगों ने कुछ ज्यादा तो नहीं सीखा लेकिन काफी नाउन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले, स्पोकन बेस्ड क्वेश्चन मिला, फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन मिला, तो नाउन के और भी टेस्ट आपको अपडेट किए जाएंगे। फिलहाल तो इसके बाद का जो टेस्ट है प्रीपोजिशन टेस्ट 1 और प्रीपोजिशन टेस्ट 2, कृपया आप जरूर उसे बना लें, या फिर प्रीपोजिशन टेस्ट 1 और वर्ब टेस्ट 1, ये दोनों टेस्ट आपको मैंने शायद दिया होगा, आप एक बार उन्हें बना लें। जो भी सेशन को बाद में भी देख रहे हैं टेस्ट वगैरह कंटिन्यू देते रहें इस चैनल पे, और उसके बाद जो भी इसको यूट्यूब पर देख रहे होंगे स्टूडेंट कल के डेट में, वो कृपया अगर हमारे चैनल से जल्दी से जल्दी जुड़े और इसके टेस्ट फॉर्मेट का जो 399 रुपये का चार्ज है उसे पेमेंट करके ये टेस्ट बैच जरूर खरीद लें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में।